अधीनता से महानता। अब अधीनता हमें क्यों जरूरी है, बहुत गहरी बातें हम देख चुके, छोटे छोटे पॉइंट्स को देख चुके। अब अधीनता का ये जो साइकिल आप कह सकते हो, कायनात पूरी खुदावन की अधीनता में, इसलिए समंदर अपने हद को लांघता नहीं है। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तभी सुनामी आती है। We praise you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. थोड़ा सा मौसम खराब है इसलिए नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, हवाएं चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदावन हमें सहायता करेगा उसकी सेवकाई के लिए। क्योंकि जब कुछ परमेश्वर के बच्चों के लिए जब वचन के द्वारा अगर कुछ खुलासा आता है तब ये दिक्कतें आती है, और हमें तब समझना है कि निश्चय आज परमेश्वर हमसे कुछ अलग तरीके से बात करना चाहता है। अब हमने अधीनता के बारे में बहुत सारी बातें देख चुके हैं, बच्चे माँ बाप की अधीनता में रहना चाहिए, पत्नी पति की अधीनता में रहना चाहिए, हम भाई के अधीनता में रहना चाहिए, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब खुदावन इन बातों के द्वारा हमसे नाना प्रकार के क्षेत्रों में काम करना चाहता है। ये अधीनता क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बलवाई का स्पिरिट काम कर रहा है, बगावत का आत्मा काम कर रहा है, और इसके वजह से परिवारों में दिक्कत है, कामकाजों में दिक्कत है, गड़बड़िया है, कलीसियाओं में पासवानों के परिवारों में टेंशन की बात है। इसका एक ही कारण है कि जहां पे अधीनता नहीं वहां पे आप बदतमीज लोगों को देख सकते हो, जो आदर नहीं करेंगे अनादर करेंगे, जो इज्जत नहीं देंगे तो बेइज्जत करेंगे। इसीलिए शैतान ऐसा नहीं कहता है बाइबल कि अनॉइंटेड व्यक्ति को देखकर भाग कर जाएगा। बाइबल कहती है जिस वचन का चुनाव हमने किया, याकूब की पत्री 4:7 में, कि परमेश्वर की अधीन हो जाओ फिर उस दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। ऐसा लिखा नहीं कि अनॉइंटेड व्यक्ति के द्वारा भाग जाएगा, बहुत उपवास प्रार्थना करने वालों के द्वारा भाग जाएगा, बहुत बड़ी सेवकाई करने वाले के द्वारा भाग जाएगा, नहीं, ये सबके लिए लागू है। एक पासवान हो या एक प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो, शिक्षक हो या सुसमाचारक हो या कोई आराधक हो या साधारण विश्वासी हो, कोई भी हो, अगर वो चाहता है कि उसके जीवन में से अगर वो कंगालपन का, वो सभी प्रकार का प्रॉब्लम लेकर आने वाला, बरकत चुराने वाला शैतान अगर आपके जीवन से भाग जाए तो उसके लिए आपको खुदावन के अधीनता में होना है, और खुदावन के अधीनता में होना मतलब उसके वचन के अनुसार जीवन जीना। तो उसका वचन कहता है क्षमा कर, क्षमा मांग, क्या मैं क्षमा करता हूं, क्षमा मांगता हूं? क्या उसका वचन कहता है पत्नी को पति के अधीनता में भेजा, क्या पत्नी अधीनता में चलती है? उसका वचन कहता है बच्चों अपने माँ बाप के अधीनता में रहो, क्या हम उसके माँ बाप के अधीनता में चलते है? अगर हमें कहीं ना कहीं आज असफलताएं मिल रही है, हमें कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है, नाकामयाबी मिल रही है, इसके पीछे का कारण हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं हम घर में एक जीवन जीते हैं और बाहर एक जीवन जीते हैं, कलीसिया में एक जीवन होगा और कलीसिया के बाहर एक जीवन होगा। मैं हमेशा एक डायलॉग बता देता हूं, कुछ लोग ऐसे होते जो चर्च में स्वर्गदूत होते लेकिन चर्च के बाहर महाभूत दिखते हैं। उनका बर्ताव, उनका चाल चलन, उनका बात करने का स्टाइल, लेकिन वही चर्च के आने के बाद आपको पता होगा कि आपने अगर सांप को बिल में जाते वक्त अगर देखा होगा ना तो आपको थोड़ा समझ आएगा। सांप जब चलता है ना बाहर जमीन पे, यू चलता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और अय्यूब के जमाने में परमेश्वर ने दुष्ट को पूछा, लूसीफर को, तू कहां से आया है? वो कहता है मैं यहां वहां जाकर आया हूं, यहां वहां ऐसा ऐसा। अब जैसे वो जब बिल में आता है ना तो झुक करके सीधा घुस जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में यहां वहां होते हैं और चर्च में सीधे होकर आते। क्या मैं उस कैटेगरी का हूं क्या? अगर वैसा है तो फिर मैं बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड के जो भी फिल्म स्टार एक्टर है उनसे भी एकदम भारी लेवल का एक्टर हूं। थोड़ा मजाक कर रहा हूं आपके साथ, समझ लो इन बातों को।
क्या आज इन दिनों में मैं एक सच में खुदावन के अधीनता में हूँ? मेरे जीवन में सभी बातों से अधिक मैं वचन को महत्व दे रहा हूँ, वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, या मैं वचन के खिलाफ एक गलत समझौते का जीवन जी रहा हूँ? आज बहुत सारे लोगों ने अपनी कमाई के ठिकानों पर गलत समझौता करते हुए कमाई कमाई है, लेकिन उसके अंदर श्राप आए हुए, इसीलिए पैसा आ तो रहा है लेकिन हॉस्पिटल में या कई गलत जगह पर वो चला जा रहा है। क्यों मेरी कमाई में बरकत नहीं है? क्यों मेरे परिवार में शांति नहीं है? क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है? क्यों मेरे सेवकाई में काम नहीं है? क्यों मेरे हर एक काम में मुझे असफलता मिल रही है? तो उसका एक ही कारण है कि दुष्ट आपकी ओर से भाग रहा नहीं है, अब वो आपके सामने सदैव खड़ा है, आपको वो ललका रहा है, आपके कामों में दिक्कतें पैदा कर रहा है। उसके पीछे का कारण ये, याकूब 4:7 में बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ फिर दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। आज वो क्यों नहीं भाग रहा है? दुष्ट एक ही व्यक्ति को देखकर भागता है जो खुदावन की अधीनता में है, क्योंकि उन्हें उसे पता है कि खुदावन की अधीनता में मतलब जिसके हालात अच्छी हो या बुरी हो, जो एट एनी कॉस्ट वचन के अनुसार जीवन जीता है, जो मक्कारी नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो केवल चापलूसी नहीं करता है, जो घूस नहीं लेता है, रिश्वत नहीं लेता है, जो अपने मकसद के लिए स्वार्थी जीवन नहीं जीता है, जो खुदावन के वचन को सामने रखते हुए, खुदावन का वचन खुद यीशु है उसको सामने रखते हुए हर जगह पर अपनी सेवकाई में, अपने कामकाज में, अपने परिवार में, दोस्त यारी में, सभी जगह पर ये बात का, इस बात का अंदेशा रखते हुए जीता है कि मैं जहां पर भी हूं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर इस बात का ख्याल रखते हुए जो व्यक्ति जीवन जीता है, वो अकेले में हो या लोगों में हो, वो पाप की दशा में नहीं तो पवित्रता का जीवन जीता है। बहुत सारे बार परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है पता है? वो हमें जांचना चाहता है कि जिस पर, जिसको मैंने मेरे पुत्र के लहू से खरीदा है, क्या उस लहू की कुर्बानी को ये व्यर्थ करता है, व्यर्थ करती है, या उस कुर्बानी के लिए, उस कुर्बानी को याद रखते हुए अपना जीवन उस परमेश्वर के पुत्र को देखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते। नाना प्रकार की समस्या आएगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति खुदावन की अधीनता में मतलब उसके वचनों में अपना जीवन जीता है, वचन को अपनी ढाल बनाता है, वचन को अपनी तलवार बनाता है, वचन को अपने हृदय में रखता है, जो उस वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता है। नहीं तो कभी कभी ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन मनुष्य जी लेता है, केवल टेंटेटिवली मतलब केवल क्षणिक सुखों के लिए, केवल क्षणिक उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी कभी झूठ बोला जाता है। मैं एक मसीह हूं तो मुझ पर एक जिम्मेदारी है कि मैं कभी झूठ ना बोलूं, मेरा फायदा हो या नुकसान हो, मुझे सम्मानित करे या अपमानित करे, लेकिन मैं जो भी बोलूं वो सच बोलूं। सच बोलने की वजह से आपके कुछ लोग टूट जाएंगे, लेकिन एक बात बताता हूं मैं, भले आपके कुछ यारी संगति रिश्ते आपको छोड़कर जाएंगे सच बोलने की वजह से, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो हमारा सच्चा रिश्तेदार है वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की पहचान और उसका एक नाम क्या है, बाइबल कहता है मार्ग सत्य और जीवन, ये तीन नामों में सत्य भी उसका नाम है, और जिसके अंदर सत्य कहलाने वाले वचन वाला परमेश्वर है, वो नुकसान होने हो या उसको अपमानित किया जाए या उसको दंडित किया जाए, लेकिन वो सच ही बोलता है। आमीन। परमेश्वर के अधीनता में होना मतलब उसके सत्य मार्गों पे चलना। लोग सुनने वाले बहुत है लेकिन चलने वाले बहुत कम है। आज जैसे बाइबल कहती है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने वो कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सुनने वाले बहुत है लेकिन चलने वाले कम है। और हम एलिशा के जीवन से पिछले हफ्ते के पिछले बुधवार को हमने जो जिस पॉइंट पर हमने अंत किया था वो पॉइंट था राजाओं के वो दूसरे किताब में उसके दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जब एलिया नबी उठा लिया गया, और इलिया जब उठा लिया गया उसके बाद यरियो में जो चेले थे
उन चेलों को लगा कि नहीं नहीं शायद परमेश्वर की आत्मा ने उसे किसी पहाड़ पर छोड़ दिया होगा। और बढ़ते हैं वहां से आगे 15 वचन से आगे। अभी मैं पिछला रिविजन नहीं करूंगा, आज हम देखेंगे कि अधीनता से महानता या अधीनता से अधिकार कैसे काम करता है, अधीनता से मनुष्य महानता तक कैसे पहुंचता है। हमें किसी के पास इज्जत मांगने की जरूरत नहीं है, कोई आकर हमें सम्मानित करे ये कहने की जरूरत नहीं है। जब अधीनता में रहते हो ना तो परमेश्वर हमें अधिकार देकर लोग हमारे सामने लेकर आके वो हमें ऊंचा उठाता है। देखो 15 वचन से मैं पढ़ूंगा, दूसरा राजाओं का किताब 2 अध्याय वचन 15। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वो एलीशा पे ठहर गई है। अंततः वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किए। ये कौन लोग है पता है क्या? ये वही लोग है जो एलीशा को थोड़ा मजाक में ले रहे थे। तेरे स्वामी को तेरे सर के ऊपर से परमेश्वर लेके जाने वाला था। उकसाने वाले लोग थे जो शायद एलिया का असिस्टेंट कहकर उसको थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते होंगे। लेकिन यही लोग है, अधीनता से अधिकार कैसे मिलता है, वही लोगों ने देखा जो आत्मा एलिया नबी पे था वही आत्मा एलिशा में आ गई है, ठहर गई है। और इसलिए वो आकर बहुत ही आदर सम्मान के साथ भूमि तक झुककर उन्होंने एलिशा को दंडवत किया। आज बहुत सारी जगह पे कहते ना, मुझे कोई सम्मानित नहीं करता है, मुझे आदर नहीं दिया जाता है, आदर मांग के नहीं लिया जाता है, आदर परमेश्वर खुद देता है। आमीन। बाइबल कहते हैं अगर आप भजन संहिता शायद 103 वचन 4 में ऐसा लिखा है कि वो मेरे सर पे दया और करुणा का मुकुट रखता है। आज बहुत सारी जगह पर लोग सम्मान ना मिलने के वजह से रिश्ते नातों में गड़बड़ियां पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं बदले की भावना में लोग चले जाते हैं, अपने रिश्ते नाते अपनी कड़वी जुबान से तोड़ देते। क्यों? कि उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। सम्मान किसी के पास से मांगने की जरूरत नहीं है। जब खुदावन की आत्मा ठहरती है ना तो संसार के लोग भूमि तक झुक कर हमें सम्मानित करते हैं। हालेलुया। ये जीता जागती मिसाल हमें यहाँ पे दिखती है कि बाइबल कहती है कि उन्होंने आकर जो एलिशा का कुछ समय पहले एलिया के साथ जब वो आया था तब उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग भूमि तक झुककर उसको दंडवत कर रहे। ये आपके साथ भी होगा, इसलिए ठहरे रहो। सम्मान के पीछे जो भागते हैं ना, मुझे आपको लगता है वो आपको ये पता नहीं कि वो लोग केवल स्वार्थी जीवन जीते। आप हमें कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाकर आप मुझे सम्मानित करो। और मैं तो कई जगह पर जाने के लिए हमेशा मैं टालता हूँ। क्यों पता है? कई जगह पर बुलाते हैं कि हाँ बाबा इन्होंने अच्छा काम किया है, कोई सामाजिक संस्था बुलाती है, वो कहते हैं इनको सम्मानित कर। मैं आज तक ऐसे कोई प्रोग्राम में कोई फंक्शन में गया नहीं हूँ, उनको मैंने क्लियर बता दिया है कि मेरा सम्मान मेरा परमेश्वर महिमा का मुकुट मुझे पहनाएगा, उसके सिवाय मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। कई जगह पर सम्मान के लिए कुछ लोग इतना समय देते हैं, आपको पता है अगर कोई पासवान आता है या प्रॉफिट आता है तो उसको सम्मानित करने के लिए कोई बुके लेके आ रहा है, कोई हार लेके आ रहा है, कोई वो शॉल पहना रहे। एक मीटिंग में मैं गया था, मैंने उनको डांट लगाई, उन्होंने ये सम्मान करने में कुछ पॉलिटिशियंस को उन्होंने बुलाया था, कुछ गांव के लोगों को बुलाया था, मैंने उनको डांट लगाई। परमेश्वर का समय चुराना ये क्या बकवास बातों में आप समय बिताते हो? सम्मान करना है तो उसका करो। उसका सम्मान कब होगा? जब उसकी आराधना को उसके वचन को प्रॉपर टाइम दोगे। बाइबल यहाँ पे कहती है कि एलिशा को उन्होंने सम्मान दिया, वो एलिशा का मजाक उड़ाने वाले लोग वही आके उसे सम्मानित करते। चलते आगे, तब उन्होंने उससे कहा, सुन तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है। उन्होंने उसको स्वामी मान लिया। एलिशा ने नहीं कहा आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं, एलिया नबी चला गया अभी आई एम द बॉस। एलिशा ने ऐसा नहीं कहा। बहुत सारी जगह पर बॉसिंग किया जाता है, बॉस जबरदस्ती बनते हैं, लोग जबरदस्ती स्वामी के अधिकार में आते हैं। मुझे आपको बताना है, ऐसा रिलेशन जियो, ऐसा लोगों के सामने जियो, ऐसे वचन के अनुसार जियो। मुझे आपको बताना है कि लोग खुद हो क्या आपको स्वामी समझे? ये जगत के स्वामी नहीं, एक आदरणीय व्यक्ति समझेंगे। एक आदरणीय व्यक्ति को जो औहदा दिया जाता है, रिस्पेक्टेड पर्सन आपको लोग बनाएंगे। बाइबल कहती है कि तेरे दासों के पास एलिशा को कह रहे 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर
तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो। एलिशा ने कहा मत भेजो, क्योंकि एलिशा को पता था कि एलिया तो परमेश्वर के राज्य में चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ चेले यवियों के अंदर थे, ये जज्बाती थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत में दो तरीके के विश्वासी होते हैं। एक जज्बाती मसीह होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, जो हमारी बातों को सुनते नहीं, अपनी जज्बातों को ही पूरा करेंगे, इमोशनल क्रिश्चियंस। और दूसरे होते हैं आत्मिक मसीह, स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस। आज मैं जज्बात में मसीह के पीछे चल रहा हूँ, इसीलिए वो सप्ताह भर पाप भी करेंगे और संडे को घुटने को बल आकर आंसू बहाकर पश्चाताप भी करेंगे, मंडे टू सैटरडे फिर से वही। ये जज्बाती चेले थे और वो कहते कि हम जाकर एलिया को ढूंढते, शायद परमेश्वर की आत्मा ने उसे किसी पहाड़ी पर या तराई में छोड़ दिया होगा। लेकिन एलिशा कहता है कि मत जाओ, क्योंकि एलिशा को पता था कि उसका स्वामी कहा गया है। आगे बाइबल कहती है, तब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वो लज्जित हो गया। सॉरी, कुछ गलत पढ़वा हो गया भैया। हाँ, एलिशा ने उसको कहा कि मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वो लज्जित हो गया, तब उसने कहा भेज दो। वो उसको फोर्स करने लग गए, उसको मनाने लगे, नहीं हमको जाने दे, हमको ढूंढने दे एलिया को। तब उसने कहा भेज दो। अंततः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उस दिन तक ढूंढते रहे परंतु न पाया, मतलब एलिया को न पाया। उस समय तक वह यरियो में ठहरा रहा। ये जो 50 पुरुष, जो बलवान पुरुष एलिया को ढूंढने गए, वो आने तक एलिशा यरियो में ठहरा रहा, क्योंकि यरियो से उसकी एक सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री शुरू होने वाली थी। यरियो में एक ऐसा अद्भुत काम होने वाला था और परमेश्वर की आत्मा जो एलिया पे थी, वो आत्मा जो एलिशा पे ठहर गई थी, और जो एलिया नहीं कर पाया था वो एलिशा को करना था, इसलिए वो उनके पीछे नहीं गया, वो वहां पे ठहरा रहा खुदा की मर्जी जानने के लिए। आज मुझे आपको बताना है जवानों, जो कलीसिया में हो, ठहरे रहो, आपकी बुलाहट को समझने के लिए ठहरे रहो, आपको आगे क्या करना है परमेश्वर की आत्मा पर ठहरे रहो, अपने अगवे के हाथ के नीचे ठहरे रहो। आपको बड़ा ही बहुत ज्ञान होगा, आप बड़े अच्छे प्रचारक होंगे, लेकिन तो भी ठहरे रहो। अगर आप परिवार में बच्चे, आपको अगर विवाह करना है, शादी करनी है, तो गड़बड़ी मत करो, ठहरे रहो। आपके लिए परमेश्वर सही समय पर योग्य साथीदार या योग्य लाइफ पार्टनर प्रकट करेगा। बहुत सारे लोग ठहरते नहीं है। आपको पता है कि ये जब ठहरे रहो आता है ना, तो मुझे इमीडिएट मेरा मन उछल कर नए नियम के प्रकाशित वाक्य में जाता है, जो यीशु मसीह चेलों को कहता है, यरूशलेम में ठहरे रहो। अगर चेले वहां पे अगर नहीं ठहरते थे ना, तो जो सारे संसार में ये जो सुसमाचार फैला है, जो खुदावन की आत्मा का काम हुआ है, कलीसियाओं की स्थापना हुई है, अगर ये चेले ठहरे नहीं रहते थे यरूशलेम में, तो पेंटिकॉस्ट का अनुग्रह उन पे नहीं आता था। बहुत सारी जगह पर अधीनता में ना रहने के वजह से गड़बड़ियों में निर्णय लिए जाते हैं, हार्ड एंड फास्ट फूड के जैसे निर्णय लिया जाता है, और अपनी मनमानी करते हुए हड़बड़ी और गड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय वो व्यक्ति अपने जीवन के कुछ साल बर्बाद कर देता है। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि एक अधीनता में रहने वाला व्यक्ति, जो एलिशा, जो खुदावन की मर्जी पर ठहरा था, अगर वो चाहता था वो 50 पुरुषों के साथ वो जा सकता था, या अभी मैं एक अनॉइंटेड मैन बन गया हूँ, या मुझ पर एलिया की आत्मा आ गई है, अभी हम बोले सो कायदा बनाकर वो जा सकता था। लेकिन बाइबल का परमेश्वर उसके वचन में हमें बताता है कि यरियो में एलिशा ठहरा रहा। यरियो का मतलब क्या? यरियो का मतलब है आपका विजय, आपके विजय की जगह में ठहरे रहो, भले आज परिणाम कुछ भी नहीं है, आपकी नौकरी आप कर रहे हो, अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो भी ठहरे रहो, एक ऐसा समय आएगा आपके उस जगह में खुदावन आपको ऊंचा उठाएगा। आपका बिजनेस शायद नहीं चल पा रहा है, तो भी उस जगह पर खुदा की मर्जी को समझकर ठहरे रहो, परमेश्वर आपके बिजनेस को ऊंचा उठाएगा। आपके परिवार में बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम आ रही, ठहरे रहो, खुदावन जरूर आपके इसाक के लिए रिबेका और रिबेका के लिए इसाक जरूर भेजेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग
अधीनता में ना रहने के वजह से हड़बड़ी और गड़बड़ी में बगावत करते हुए, बलवाई करते हुए, अपनी मनमानी करते हुए, टेंटेटिवली उनको सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए गलत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि एलिशा यरियो में ठहरा रहा क्योंकि यरियो में उसको एक अलौकिक काम करना था। आपको इन दिनों में अगर अलौकिक काम करने हैं, सुपरनेचुरल वे में चलना है, बहुत सारी अभी ऑनलाइन में सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस चल रही है, लोग कहते हैं आज वहां पे भविष्यवाणियां करते मतलब सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस, किसी का नाम लिया जाता है मतलब सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस, सॉरी सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस उसको नहीं कहा जाता है। सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमें नेचुरल कॉन्फ्रेंस में रहना पड़ेगा, जहां पर हम है वहां पे हमें ठहरना होगा। आज इन दिनों में कितने लोग हैं जो ठहरने को तैयार है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आपका कामकाज छोड़ दो, आप जहां कहीं पर भी हो ठहरे रहो, जो चल रहा है उसको चलने दो। आज रुको, परमेश्वर की वाणी के लिए रुको, परमेश्वर की इच्छा के लिए रुको, परमेश्वर की मर्जी के लिए रुको। जब आप उसकी मर्जी के लिए रुकोगे तो मुझे आपको बताना है जो उसकी मर्जी से चलता है उस परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बहुतायत से बढ़ता है। बाइबल कहती है उस समय तक वो यरियो में ठहरा रहा, अंततः जब वे उसके पास लौटे तब उसने उससे कहा क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ। एलिशा ने उनको कहा था मत जाओ। कभी कभी हमारे अगवे कहते हैं कि ये मत करो, हमको गुस्सा आता है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कलीसिया के लिए करना चाहता हूँ या अपने चर्च के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन अगुआ हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका अगुआ, आपका पासवान, आपका आत्मिक पिता आपका दुश्मन नहीं है। कोई पिता अपने बच्चों की उन्नति रोकना नहीं चाहता है। हर एक पिता की मर्जी है कि उसका बच्चा फलदायी हो, उसका इंक्रीमेंट हो जाए, वो बढ़ते रहे, उसका प्रमोशन लेवल आ जाए, उसकी इच्छा अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी वो पिता या वो अगुआ कहता है बच्चों को नहीं मत जाओ, इस दोस्त के साथ मत जा, इस व्यक्ति के साथ रिलेशन मत रख, यहाँ पर मत जा। क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने जो तजुर्बे लिए हुए होते हैं, उनको परमेश्वर की आत्मा जो गाइड करती है ना, इसके वजह से वो कहते हैं तब हमारा कर्तव्य अधीनता में रहने वाला व्यक्ति उसे कड़वी डांट मिले या मधु से मीठा प्रसाद मिले, ये दोनों बातों को लेता है और खुदावन की मर्जी में अपना जीवन जीता है। अगर आपको केवल मीठा प्रसाद ही आपको अच्छा लगता है और कड़वी डांट अगर आपको हजम नहीं होती है तो आपका मसीह जीवन खतरे में है। समझ लो इन बातों को गहराई से। बाइबल आगे कहती है जब वो यरियो में आया, 19 वचन से आगे, 19 वचन के ऊपर अगर आप देखोगे एलिशा के दो आश्चर्य कर्म, उसमें का आज एक आश्चर्य कर्म हम देखेंगे। अब यह आश्चर्य कर्म सुपरनेचुरल काम असंभव बात संभव हुई, यही सबूत है। एक जमाने में 12 बैलों को अपने खेतों में खेती को सींचने वाला, हल चलाने वाला, जब उसको बुलाहट मिली तब वो एलिया के पीछे उसकी सेवा करने के लिए सभी प्रकार की सेवा उसने की। कितने साल की ये नहीं बता सकूंगा, लेकिन जितने साल उसने नम्रता से अपने अगुवे की सेवकाई की, उसकी अधीनता में रहा, खुदा के वचन में रहा, यरियो में ठहरा रहा, और जब उसका समय आया तो परमेश्वर ने उसको इस पहले चमत्कार के द्वारा, एक्चुअली पहला चमत्कार तो हो गया, वो पहला चमत्कार क्या था कि जो चद्दर एलिया की उस पर गिरी थी वही चद्दर को उसने लेकर जब यर्दन में मारा तो यर्दन दो हिस्से में पड़ गया। उसके बाद यर्दन के बाद आ गया यरियो में। अब यरियो में बाइबल कहती है, देखो यहाँ पर बहुत बेहतरीन बात आप समझ सकते हो, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है। आमेन। शायद उस नगर के लोगों ने कुछ साल पहले एलिशा को एलिया का हाथ धोते हुए देखा होगा। शायद उस नगर के लोगों ने एलिशा को एलिया के जूते उठाते हुए देखा होगा, एलिशा को एलिया के पैर दबाते हुए देखा होगा। लेकिन जब खुदावन का अनुग्रह आता है ना, जो लोग आपको नौकर की दशा में देखते हैं ना,
वो अनुग्रह जब अधीनता में हम रहते हैं, जब वो अधीनता अधिकार से महानता में आता है ना, तो जिन्होंने आपको नौकर देखा है ना, वही लोग आपको मालिक के दृष्टिकोण में देखते हैं। आप कहेंगे आपने ऐसा कैसा कहा, एलिया का ये हाथ धुलाता था। चलो मैं उसका आपको प्रूफ देना चाहता हूँ, वो प्रूफ मैं फिर से भी बताऊंगा अगले एपिसोड में, लेकिन आज भी देना चाहता हूँ। इसी दूसरा राजा का तीसरा अध्याय और उसका वचन 10 में, जब यहोशाफाट राजा जब किसी नबी के तलाश में था, तो वहां पर कुछ वार्तालाप हुआ है। गौर से पढ़ो उस वचन को, दूसरा राजा तीसरा अध्याय वचन 10। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन तीन राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशाफाट ने कहा, 11 वचन से, क्या यह यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। आमीन। क्या पहचान दी उसकी। आज अगर हमारी कोई पहचान ऐसे करके देगा तो, हाँ, वो राजू ठाकुर फलाने फलाने पास्टर का हाथ धुलाता था, कपड़े धुलाता था। क्या राजू ठाकुर को ये बात हजम होगी? इतना बड़ा नबी, उसकी पहचान ये करवाई वहां पे। मुझे ये वचन पढ़ने के लिए बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो आपने इलिया का हाथ धोता था। मैंने उस टाइम बताया था आपको, मैं उसका एविडेंस भी दूंगा। ये एविडेंस है यहाँ पे, दूसरा राजा तीसरा अध्याय वचन 11 में। एलिशा की पहचान ये थी कि वो एलिया नबी का, अपने गुरु का, अपने अपने स्वामी का, अपने अगवे का हाथ धुलाता था। उसको ये नहीं पहचान दी, हाँ, वो एलिशा जिसने यर्दन को दो हिस्से में फांद दिया था। उसकी ये पहचान नहीं दी कि हाँ, वो एलिया जिसने यवियों का शाप तोड़ा था। आजकल लोगों की पहचान कैसी होती है, फलाने फलाने पास्टर ने मुर्दों को जिलाया, फलाने फलाने पास्टर की मिनिस्ट्री में अंधा चंगा हो गया, फलाने फलाने पास्टर की मिनिस्ट्री में लकवा मारा हुआ चंगा हो गया, ये पहचान हो गई आज। लेकिन यहाँ पे हमें एक सबूत मिलता है, आश्चर्य कर्म होने के बाद भी उसकी पहचान क्या करवाई है। ये पहचान में उसको जलील नहीं किया है, ये पहचान में उसको अपमानित नहीं किया है, तो ये पहचान में एलिशा को और ऊंचा उठाया है कि ये वो एलिशा है जो इतना रईस था, धनवान था, अपनी जवानी में अपनी बुलाहट को जानकर, सभी धन दौलत को त्याग कर, ऐश्वर्य को त्याग कर एलिया नाम के नबी की सेवा में लग गया था। ये उसके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है, चलते वहीं पर, यवियो नगर के निवासियों ने उसको देखकर कहा कि ये नगर तो बहुत मन भावने स्थान पर है, जैसे मेरा प्रभु देखता है। वाह, इतना आनंद हुआ ना। यवियो के लोग एलिशा को एलिया का हाथ धोने वाला समझकर देखते होंगे, लेकिन आज उसको प्रभु कह रहे, उसे स्वामी कह रहे। मेरे बच्चों जो मुझे देख रहे, सम्मान के पीछे मत भागो। जो लोग आज आपको सम्मानित कर रहे ना, एक समय आएगा वही आपको पैरों के नीचे कुचलेंगे भी। इस अनुभव से मैं गया हूं, जो सर पे लेके नाचेंगे बहुत अच्छे, एक समय आएगा वही लोग आपको बदनाम करेंगे। ये संसार के सम्मान के लिए मत जियो, अगर जीना है तो स्वर्ग के सम्मान के लिए जियो, जहां का सम्मान मुझे अभिमान आता है, मुझे गर्व है कि वहां का सम्मान करने के लिए ना कोई प्रॉफिट आएगा, ना कोई संत आएगा, ना कोई स्वर्गदूत आएगा, तो उस सम्मान के लिए खुद हमारा यीशु मसीह हमें सम्मानित करने आएगा। और वो कहता है कि मैं स्वर्गदूतों के सामने और मेरे पिता के सामने उसका नाम पुकारूंगा। वाओ, जब वो अनाउंसमेंट स्वर्ग में होगा, रेवरेंड नवीन ताटके माऊ में मध्य प्रदेश में खुदावन के आदरणीय दास, जब यीशु मसीह पिता को और स्वर्गदूतों को ये सुनाएगा, तो क्या तालियां बजेगी। आमेन। रेवरेंड ताराचंद सेनानी माऊ के अंदर अपने अगवे के हाथ के नीचे, जैसे एलिशा एलिया के हाथ के नीचे था, उस अधीनता से सेवकाई कर रहे थे, यीशु मसीह उसका नाम पुकारेगा। रेवरेंड ताराचंद सेनानी, क्या आनंद की बात हो गई। वो सम्मान के बारे में लालच रखो,
मुझे कहोगे ना आप लालची हो, मैं लालची हूँ, लेकिन इस संसार के सम्मान या संसार के धन के लिए नहीं, तो स्वर्ग का धन और स्वर्ग के सम्मान के लिए मैं लालची हूँ, जिसके लिए मुझे आखिरी सांस तक मुझे अपमान मिले या सम्मान मिले, मैं खुदा के वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुदा के वचन के अनुसार चलूंगा। आमीन, हालेलुया। अद्भुत बातें इन अध्यायों में, समय कम पड़ता है बताने के लिए, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमसे कर रहा है। ये दो चमत्कारों में ये जब कहते हैं कि मेरा प्रभु देखता है, मैं वहीं पर ब्लेस हो जाता हूं। जो लोगों ने मुझे नौकर समझा था, वही लोग मुझे मालिक पुकार रहे। ये हमारा परमेश्वर जो कूड़े से उठाकर अधिपतियों की संगति में बिठाता है। एक पंजाबी गीत में वो वर्ड हमेशा दोहराते हैं, तेरे लहू से मिली हमें माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। कूड़े से उठाया मुझको यीशु ने, पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बस उसका फजल काफी है, कोई मुझे सम्मानित करे या ना करे, कोई मुझे आदर दे या ना दे, लेकिन उसका फजल मेरे लिए काफी है। उसका फजल ही असंभव बातों को संभव कर दे। उस फजल को अनुग्रह कहा जाता है, उस फजल को ग्रेस कहा जाता है, उस फजल को कृपा कही जाती है। बस उसकी कृपा पर जियो हर परिस्थिति। आज लोगों ने कृपा को केवल धन दौलत में मोड़ कर रखा है। कृपा मतलब धन दौलत नहीं है, कृपा वो चीज है जो हमारी औकात ना होने के बावजूद हमें उस लेवल पे आदर देती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो लोग आकर कहते हैं कि ये नगर बहुत ही मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु परंतु पानी बुरा है। दूसरी बात, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। शहर, मैं रुकता हूं यहां पे क्योंकि बहुत बेहतरीन बातें मैं इसमें की कुछ रेवलेशंस बीच में से कट रहा है नेटवर्क, मैं अगले सप्ताह में दूंगा। यरीहो शहर बहुत मन भावने नगर जैसे है और अच्छे स्थान पर बसा हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है वो लोग कह रहे यरीहो के लोग, यरीहो के चेले नहीं भविष्यवक्ता के, यरीहो के निवासी आकर कहते हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, तुझे दिखाई पड़ रहा है शहर बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन दो प्रॉब्लम है। नंबर एक, पानी बुरा है। नंबर दो, भूमि गर्भ गिरा रही है। मैं आपको इस जगह पे इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसमें के कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूं जो ये 5-10 मिनट में नहीं पूरी होगी। मैं अगले सप्ताह में आपको ये बात बताऊंगा, अगले एपिसोड में ये बात बताऊंगा। आज भी बहुत सारे शहर, बहुत सारे नगर मन भावने स्थान पर बसे हुए, लेकिन वहां पर भी पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराती है। ये भूमि गर्भ गिराती है मतलब, ये हिंदी भाषांतर में बहुत अच्छा लिखा है। ये वचन मुझे प्रोफेटिकली 2015 में, मैं उड़ीसा में एक जगह पर प्रचार के लिए खड़ा था, कुछ आरएसएस के लोगों ने आकर सभा को बंद किया, साउंड सिस्टम को बंद किया, और उस पासवान ने कहा कि आपको बिना स्पीकर से बोलना पड़ेगा। मैं बोला नो प्रॉब्लम। वहां पर एक श्राप था, वहां पे कुछ लोगों को सिकलिन नाम की बीमारी थी, जो परिवार में हर एक परिवार में दो लोगों को तो ये बीमारी थी। और वो बीमारी ये थी कि उस व्यक्ति के अंदर खून नहीं बढ़ता था, खून तैयार नहीं होता था, जिसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में थैलीसेमिया कहा जाता है। और मैंने अलग प्रचार की तैयारी की, और जब मैं खड़ा हुआ, जब वो विरोध हुआ, सभा बंद कर दी गई, मैं खड़ा हुआ तो प्रभु मुझे बता रहा है कि इस वचन पे बात कर, यहाँ का स्थान बहुत ही मन भावने स्थान पर है, लेकिन पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराती है। एक जानवर का गर्भ गिरता है, समझ सकते हैं? एक
स्त्री का गर्भ गिर सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन भूमि का गर्भ गिरना मतलब क्या है? प्रोफेटिकली उसका मतलब क्या है? क्या उसका प्रोफेटिकली साउंड है? यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज बहुत सारे मन भावनी शहर है, मेरा पुणे शहर भी आज एशिया के नक्शे पे आ गया है, लेकिन ये शहर एक मन भावने स्थान में होने की वजह से भी, लेकिन आज मेरे शहर का पानी बुरा है और बहुत सारी जगह पर भूमि गर्भ गिराती है। गर्भ गिरना मतलब शाप का चिन्ह, पानी बुरा मतलब शाप का चिन्ह। और एलिशा ने यरियो का पहला चमत्कार, यरियो को दो हिस्से में करने के बाद एलिशा ने पहला चमत्कार पानी को दो हिस्से में किया, दूसरा चमत्कार पानी को ठीक किया। बहुत अच्छी बात है, इसमें समझेंगे हम। यरियो को दो हिस्से में करना मतलब हमारे लिए मौत पर विजय होना, यरियो मतलब परीक्षा और मृत्यु, अपने आप को मारना। जब अपने आप को मारते ना, तब लोगों के जीवन का बुरा पानी और गर्भ गिरने वाली भूमि को चंगा करने का अनुग्रह खुदावन हमें देता है। कब मिलता है? जब हम अधीनता में रहते हुए अपने अगवे का, अपने सीनियर का हाथ धोने के लिए भी शर्मनाक बात नहीं तो अभिमान की बात समझते हैं। आमीन। खुदावन आपको बहुत आशीष दे।